शिक्षा मित्र कृषि खेतिहर थे, जिनके पास थोड़ी बहुत कृषि थी, उनको प्रधानमंत्री की जो किसान योजना है उसमें उनको 2-2 हजार रुपया दिया गया था, वो भी सरकार ने उनसे वापस ले लिया सर। अब और बताइए, हम अपनी कठिनाई और क्या कहें। हमें आप किसी भी सरकारी योजना में जोड़ना नहीं चाहते, हमें आप कोई भी सिलेंडर देना नहीं चाहते, हमें आप प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य बीमा है उसका लाभ नहीं देना चाहते, हमें आप प्रधानमंत्री जो किसान निधि है वो उसका लाभ नहीं देना चाहते, मैंने हमारे स्वास्थ्य बच्चों बीमा को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। को लेकर इस देश के सबसे बड़े अधिकारी से बात की जो बीमा का और स्वास्थ्य का काम देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे मैटर का काम नहीं है, राज्य सरकार यदि अनुमति दे देगी तो मैं सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा सकता हूं। अब राज्य सरकार से कौन बात करे, जो राज्य सरकार इस सब पर, जो प्रधानमंत्री की जी स्वास्थ्य बीमा योजना है उस पर मैं बड़े स्तर पर बात कर चुका हूँ, शायद कुछ परिणाम निकले, लेकिन जब परिणाम निकले तभी बात उस पर आगे बढ़ाई जाए। मैं उदय सिंह आऊंगा दोबारा फिर, क्योंकि समय हो रहा है। अश्विनी जी, जी सर, जी एक दूसरा यह है कि जी जी एक मिनट के बाद जी बोलिए सर, दूसरा यह है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो एक स्कीम है कि 60 वर्ष की आयु होने पर हम कुछ फंड जमा करेंगे सरकार के यहाँ, और उसके 60 वर्ष की आयु होने पर कम से कम मिनिमम 3 हजार रुपया वो मिलेगी, क्या नाम है, पेंशन प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आमदनी 15 हजार से कम है, हमें उसमें भी शामिल नहीं किया गया है सर। हम क्या रोए, और सरकार जिस तरह से अपने कानों में जो रुई डालकर बैठी है उसका भी उनको परिणाम देखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज भविष्य में चुनाव आने वाले हैं, हम पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, और कोशिश है हमारी कि हम पहले मुख्यमंत्री जी से एक बार पढ़े मिलना चाहते हैं। और सर एक बात और, हमारे जो साथी हैं वो ट्विटर चलाते हैं, एक एक व्यक्ति के 50, 60, 70 हजार ट्वीट है, और हमने एक एक दिन में 20-20 हजार ट्वीट किए हैं सरकार के लिए, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुनना चाहती। जी सर जी बिल्कुल बात आपकी जी जी मिश्रा जी मिश्रा जी उदय सिंह जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और मैं भी ये बात बार बात कहता रहा हूँ कि अगर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर आखिर कमी क्या है। राजाराम त्रिपाठी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बहुत सारे सुझाव भी देते रहे, अगर हम उन सुझाव को शायद अमल करते, आचरण करते हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कल मैंने एक बात बोली थी जो बहुत लोगों को नागवार गई, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ गाल बजा रहे हैं तो सरकार को यही लगता है कि हम गाल बजा रहे हैं। जब तक हमारी आवाज हुंकार में नहीं बदलेगी तब तक तो लोगों को यही लगेगा कि यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। रही बात एकता की, यूनिटी की, मैं उदय सिंह की बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके पास